कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच सरकार ने कुछ उद्योग प्रतिष्ठानों को शुरू करने की छूट दी है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे नागपुर शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखें, इस पृष्ठभूमि पर सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी अनावश्यक रूप से इधर उधर न भटके। साथ ही ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल सब्जियों और खाद्यान्नों की भीड़ की निगरानी के लिए किए जाए, जिससे नागरिकों को सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय, विशेष पुलिस महानिरीक्षक इस अवसर पर मल्लिकार्जुन प्रसन्ना, उपायुक्त रविन्द्र कदम, अपर पुलिस आयुक्त नीलेश भरने, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राकेश ओला और पुलिस उपायुक्त तो उपस्थित थे। बैठक में क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा ली गई। कोविड योद्धा पहल नागपुर पुलिस विभाग द्वारा 700 युवा स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ शुरू की गई है। उनके माध्यम से नागरिकों के बीच कोरोना बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। शहर में 65 जगहों पर नाकेबंदी की गई। सतरंजीपुरा, बैरागीपुरा, मोमिनपुरा, शांतिनगर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इसमें किटिखदान और कामठी के हिस्से भी शामिल है। कोविड योद्धा को 33 पुलिस थानों के तहत तैनात किया गया है। भूषण कुमार उपाध्याय ने बताया कि उन्हें प्रशिक्षित किया गया है, निपटान के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। शहर में वाहन निरीक्षण कड़े कर दिए गए है और अब तक 797 वाहन जब्त भी किए गए है। इन वाहनों को लॉक होने के बाद ही वापस किया जाएगा। शहर के नागरिक प्रशासन के माध्यम से महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। शहर के 335 स्लम क्षेत्रों में सामाजिक संगठनों के माध्यम से भोजन दान, खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है। पुलिस विभाग इस आवंटन का समन्वय कर रहा है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अग्रसेन भवन, रविनगर और तुली पब्लिक स्कूल बोखारा में आश्रयों का दौरा किया। अग्रसेन भवन में उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश के श्रमिकों और विस्थापित नागरिकों के लिए व्यवस्था की गई है। छात्रावास के नागरिकों ने कहा कि प्रशासन के पास रहने, भोजन, मनोरंजन, चिकित्सा, परीक्षा और परामर्श के लिए पूर्ण सहयोग और अच्छी सुविधाएं हैं। लॉकडाउन खत्म होने तक शरण में रहे प्रशासन आपकी व्यवस्थाओं को ध्यान रखेगा। गृह मंत्री ने उन्हें ऐसा धैर्य दिया है। तुली पब्लिक स्कूल के नागरिकों ने भी कहा कि पुलिस और प्रशासन उनकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। इन बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।